नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योति गोस्वामी। हसायन में शांतिपूर्ण माहौल में अदा हुई ईद की नमाज, सैकड़ों लोगों ने गले मिलकर दी एक दूसरे को मुबारकबाद। आपको बता दें, पूरे देश में मुस्लिम समाज के द्वारा ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईदगाहों में सुबह नमाज पढ़ने के साथ ही लोगों का एक दूसरे से गले मिल बधाइयां देने का दौर जारी है। इसी क्रम में हसायन में प्रशासन के द्वारा पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ अपनी निगरानी में ईद की नमाज अदा करवाई गई, जहां हजारों लोगों के द्वारा देश में अमन चैन की दुआ मांगते हुए नमाज पढ़ी गई। पहली बात तो पूरे हिंदुस्तान के सभी आवाम को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि सभी आपस में भाईचारा, मोहब्बत, अमन बरकरार रहे, और हमने अल्लाह ताला से यही दुआ की है कि हमारे मुल्क में मोहब्बत लोगों में बनी रहे और देश में अमन सुकून रहे और हम सब मिलकर रहें। यही हमारे एक ईद का मैसेज है और यही हम सब लोगों को इस पर अमल करना चाहिए, और इसी के साथ मोहब्बत की जो है शुरुआत होनी चाहिए, एक अच्छी शुरुआत एक अच्छी ईद उल अजहा के साथ। अब आपका पसंदीदा चैनल टीवी 30 इंडिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्मों के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अपनी क्षेत्रीय खबरों के लिए आज ही डाउनलोड करें टीवी 30 इंडिया का एंड्रॉयड ऐप एवं जुड़े रहें टीवी 30 इंडिया के साथ।